हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे एक्सप्लेन अवर पॉइंट्स। रेड पर्पल एंड इवन येलो, सम ग्रीन वाइट एंड लूज, लूजर ऑफ डिफरेंट काइंड्स एंड ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज़। यहाँ पर आपको क्या बताया गया है, तो लूजर सो डिफरेंट टाइप्स एंड इट्स शेप्स एंड साइज आर सो डिफरेंट। सम लीव्स आर येलो इन कलर, सम आर ग्रीन इन कलर, सम आर पर्पल इन कलर। कई ऐसे लीव्स होते हैं जो वेट होते हैं, कई लूज होते हैं, जैसे कि गीले भी होते हैं, कई बहुत ऐसे लूज टाइप के भी लीव्स आपको देखने को मिलते हैं। इसका शॉर्टली यही पॉइंट होता है कि लीव्स आर सो डिफरेंट शेप्स एंड साइज। उसके कलर्स सेम कलर होते हैं, पर कभी कभी सम लीव्स आर सो डिफरेंट शेप साइज एंड कलर्स। सो प्लीज नेक्स्ट पॉइंट हम चलते हैं। सम आर लाइक द एल्फेंसियस एंड सम आर प्लेफुल लाइक द डेविल, सम आर डॉन एंड सम आर फोल्डेड, सम इवन ईटन लाइक द बीटल। अभी आप जानते हो कि यहाँ पर कई ऐसे लीव्स होते हैं जो एल्फेंस की तरह बड़ी साइज के होते हैं। एल्फेंस के जो ईयर होते हैं ना, उसी ईयर्स के टाइप ईयर के जैसे ही बड़ी साइज के लीव्स होते हैं। कभी कभी इससे भी बड़ी ऐसे दिखने में बहुत बैड दिखाई देते हैं, ऐसे भी लीव्स आपको देखने को मिलते हैं। एंड सम आर प्लेफुल लाइक द डेविल, कई ऐसे लीव्स होते हैं जो दिखने में तो बहुत बड़ी साइज के दिखाई देते हैं, पर उसका लुकिंग बहुत अच्छा लगता है। सम आर टॉर्न एंड सम आर फोल्डेड, कई लीव्स फटे हुए होते हैं, कई फोल्डिंग किए हुए होते हैं, और सम इवन ईटन लाइक द बीटल। कभी कभी हमें ऐसा भी लगता है कि जब हम उसे चबाते हैं, खाने की कोशिश करते हैं, तो वो बीटल की तरह उसका जो टेस्ट है वो बीटल की तरह लगता है। बीटल यानी कि नागोवेल का पत्ता होता है ना, उसी तरह ऐसा लगता है हमें। नागोवेल का पान जो होता है, जैसे कि हम वो खाते हैं ना, पान खाते हैं, कई लोग खाते हैं, तो उसका जो बनावट है वो बीटल लीव्स के ज़रिए बनता है। तो उसका जो टेस्ट होता है, कई ऐसे लीव्स होते हैं जिसका टेस्ट खाने से हमें पता चलता है कि वो उसका टेस्ट बीटल जैसा लगता है। And in the early dawn star cast you will find the flowers quite dear like dew. Some are like butterflies, some like bees, some are hairy and some plain. Some dry up to low thorns and some even resemble cranes. अब यहाँ पर देखो, एंड इन द अर्ली डॉन स्टार कैस्ट यू, आप अर्ली मॉर्निंग की हम बात करते हैं, जहाँ पर आप देखते हो कि सुबह का जो टाइमिंग होता है, उस टाइमिंग में आप देखते हो कि ये जो लीव्स के जो कलरफुल ऐसे लीव्स आर सो डिफरेंट शेप्स एंड साइज, उसके शेप और साइज बहुत अच्छी तरह से हमें देखने को मिलते हैं। उसके रंग भी ऐसे हरी भरी पत्तियाँ हमें अच्छी तरह से दिखाई देती है। You will find the flowers cry tear like dew. कभी कभी फ्लावर फूलों की पत्तियों पर ऐसे जाकर बिंदु गिरे हुए दिखाई देते हैं, और ऐसे वो जैसे कि रोते हुए हमें दिखाई देते हैं। सम आर लाइक बटरफ्लाइज, सम लाइक बीस, कई ऐसे लीव्स होते हैं जो पतंग ऐसे बटरफ्लाइज की तरह कलरफुल दिखाई देते हैं, सम बीस की तरह दिखाई देते हैं। सम आर हरी एंड सम प्लेन, कई ऐसे लीव्स होते हैं जिसके ऐसे रुचे दिखाई देते हैं, और कभी कभी कई ऐसी पत्तियाँ होती है जो प्लेन टाइप की दिखाई देती है। सम ड्राइव टू लुक थॉर्न्स, कभी कभी कांटों की तरह कई सूख भी जाते हैं। एंड इवन सम रिजेंबल क्लेंस, कभी कभी आप देखते हो कि कभी सेम टाइप के भी हमें लीव्स देखने को मिलते हैं। हुश हुश स्कटल एंड फ्लटर, आप जानते हो कि हुश हुश, आप इसका मीनिंग आप जानते हो कि ये जो जब कोई शिप जब डूबने की कोशिश करता है, तो जैसा आवाज़ आता है, जैसे कि बोट के अंदर छोटा सा ऐसा होल हो जाता है, होल की वजह से जब हम जैसे कोई बर्ड्स उड़ने की कोशिश करता है, उसका और जो वो फ्लटरिंग साउंड होता है, वही साउंड हमें सुनने को मिलता है। एंड इन द ब्रीज दे ऑल डू मटर, इसके अलावा ब्रीज की यानी कि पवन की जो लहरें आती है, वो लहरें भी जैसे कि बड़बड़ाती हुई ऐसे क्रॉसिंग करती हुई दिखाई देती है। ऑल डे लॉन्ग दे स्माइल एंड प्ले, ऑल डे लॉन्ग दे स्माइल एंड प्ले, पूरा दिन वो हंसते रहते हैं। एंड इन द नाइट दे स्लीप अवे, रात होते ही वो सो जाते हैं।
In the breeze they all mutter, all day long they smile and play, and in the night they slip away. Leaves are of different kinds and of different shapes and sizes. विजयेंद्रपाल सिसोदिया, ये जो पोइम्स है उसके राइटर कौन है? विजयेंद्रपाल सिसोदिया एंड ट्रांसलेटेड फ्रॉम द हिंदी, ये हिंदी का ट्रांसलेट किया हुआ पोइम है। तो आप सबको पता है कि लीव्स आर सो डिफरेंट शेप साइज एंड कलर्स, बट वी लाइक लीव्स। ओके, कलर द लीव्स मेड अराउंड द पोइम, कलर अ फ्यू लीव्स ऑफ द प्लांट्स लाइक द लेमन मैंगो। आपको अलग अलग टाइप के जो पेड़ पौधे हैं उनके जो लीव्स होते हैं उस लीव्स के कलर्स को आपको देखना है थोड़ी देर के लिए, उसे ऑब्जर्वेशन करना है। जैसे कि आप नीम का लीव्स लो, बेसिल लीव्स लो, मिंट लीव्स लो एंड कोरिएंडर लीव्स लो, इन सारे लीव्स को लेने के बाद आपको ऑब्जर्वेशन करना है। क्रिस्टल लीव्स एंड स्मेल देम, फिर ये सारे जो लीव्स है, जैसे कि यहाँ पर देखते हैं कि आप नीम लीव्स, बेसिल लीव्स, मिंट लीव्स एंड कोरिएंडर लीव्स, यानी कि बेसिल यानी तुलसी का पत्ता, मिंट यानी पुदीना का, कोरिएंडर यानी कि धनिया का पत्ता, इन सबको एक साथ मिलाकर आप उसे क्रशिंग करो। पहले स्मेलिंग करो, फिर क्रशिंग करो। और फिर क्या करना था, डू दे ऑल स्मेल अलाइक, उसकी जो स्मेल है वो डिफरेंट टाइप की हमें पसंद नहीं आती है। कभी कभी एक साथ मिक्सिंग किया जाता है तो उसकी स्मेल हमें पसंद आती नहीं है। कैन यू आइडेंटिफाई द लीव्स जस्ट बाय द स्मेल? यस, हमें किसी भी तरह से किसी भी लीव्स को पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है, तो उसके स्मेल के जरिए हमें पता चल जाता है कि ये कौन सा लीव्स है, किसका लीव्स है। बराबर, लुक एट दिस ब्यूटीफुल पिक्चर्स एंड दे आर मेड अप ऑफ ड्राई लीव्स। आप देखते हो यहाँ पर ये ब्यूटीफुल लीव्स आपको ब्यूटीफुल पिक्चर दिखाई देता है, जैसे कि लीव्स के जरिए यहाँ पर गणपति का पिक्चर बनाया है, यहाँ पर पैरोट का पिक्चर बनाया है, यहाँ पर माउस का पिक्चर बनाया है। तो आप लॉर्ड गणेशा का पिक्चर देखो, अच्छी तरह से दिखाई देता है, जैसे कि उसका मुखौटा का ये पिक्चर दिखाई देता है। तो जैसे कि हूबहू हमें गणपति दादा ही दिखाई देते हैं, यहाँ पर पैरोट दिखाई देता है, यहाँ पर ये चूहा दिखाई देता है। तो हमें भी ऐसे ट्राई करना है कि आप भी घर पर ऐसे लीव्स के जरिए ऐसे अलग अलग टाइप्स के शेप बनाओ। यूजिंग ड्राई लीव्स मेक पिक्चर्स ऑफ द डिफरेंट एनिमल्स इन योर नोटबुक। आपको ड्राई लीव्स का यूज़ करना है और ऐसे अलग अलग टाइप्स के एनिमल्स के पिक्चर्स आप अपनी नोट में बनाओगे। दीदी टोल्ड एवरीवन हाउ टू टेक रबिंग्स ऑफ लीव्स एंड ट्री ट्रंक्स, ऑल यू हाउ टू डू इट। दीदी ने बताया कि आप सबको हर एक लीव्स को रबिंग करना है, उसकी प्रिंट लेने के लिए रबिंग करना है हमें। एंड टेक अ पेपर एंड क्रेयॉन और कलर पेंसिल, आपको एक पेपर लेना है, क्रेयॉन कलर लेने हैं। और फिर क्या करना है, तो आपको प्लेस लीफ ऑन टेबल और ऑन द ग्राउंड, आपको एक टेबल पर उसको उल्टा रखना है। एंड इट शुड बी द प्लेस इन सच अ वे दैट द साइड ऑफ द लीफ विथ वेन्स इन ऑन द टॉप, जो वेन होती है उसकी जो ये वेन दिखाई देती है ना, वो वेन ऊपर की साइड पे रहे। और फिर आपको ऐसे ऊपर की साइड पे, यानी कि आपको उल्टा लीव्स रखना है, और फिर उल्टे लीव्स को टेबल की बॉर्डर पर रखो आप, या कहीं पर भी रखो, और फिर उसे पहले पेज लेना है, कोई भी पेज लेना है नोटबुक का या किसी भी बुक का, और फिर पेज लेने के बाद आपको उल्टा ऐसा पेज रखना है, और फिर उसकी मार्जिन लेने की, उसकी वेन लेने की आपको कोशिश करने की। प्लस पेपर ऑन द लीफ, जेंटली रब द क्रेयन और कलर पेंसिल ऑन द पेपर, क्रेयन पेंसिल या कलर से उस पर रब करो और उसकी जो पूरी छाप आपको मिलेगी। बी केयरफुल डेट द पेपर और द लीफ डज नॉट मूव, आपको इतना ध्यान रखना है कि पेपर कहीं पर ऐसे खिसकना नहीं चाहिए। ओके, सिमिलर टेक रबिंग ऑफ द ट्रंक, आप रबिंग यदि ट्रंक की छाप लेना चाहते हो तो वो भी आप रबिंग करके ले सकते हो। तो ऐसे पेपर, प्लस पेपर ऑन द ट्रंक एंड रब द क्रेयन और कलर पेंसिल ऑन इट, आप पेपर लो, फिर ट्रंक पर उसको क्रेयन कलर के जरिए पेंसिल रब करो और फिर उसकी ये भी प्रिंट ले सकते हो। यू हैव मेड रबिंग ऑफ द ट्री ट्रंक, look at the rubbing made by the others, are the rubbing of the different plants similar?